अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना सलाम। आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। कमेंट्स में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमने बीफ ले लिया है, मैंने इसको बीफ को वॉश करके अच्छे से रख लिया है। ये हमने भिंडी ले लिया, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। ये हमने हरी मिर्ची ले लिया, ये एक अदद के करीब प्याज थी बड़े साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया है। दो अदद के करीब टमाटर ले लिया, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया 3 टीस्पून के करीब। लाल मिर्ची ले लिया 2 टीस्पून के करीब ले लिया हमने। जीरा ले लिया 1 टीस्पून के करीब। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब ले लिया। हल्दी 1 टीस्पून के करीब ले लिया। अगर आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं भिंडी, और अगर चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जो आप लोगों को अच्छी लगती है। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है भिंडी गोश्त, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये गोश्त हमने डाल दिया, अब इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे 1 गिलास के करीब। 1 गिलास और ले लेंगे, 2 गिलास के करीब हम पानी शामिल कर लेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। ये पानी काफ़ी रहेगा, इसमें हमारा बीफ अच्छे से गल जाएगा। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, प्याज भी अभी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त के साथ ये हमारा मसाला अच्छे से गल जाएगा। जैसे हमारा गोश्त गलेगा तो हमारी प्याज व्याज भी गल जाएगी, लहसुन अदरक भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। ये लाल मिर्ची भी शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब मैं इसको गलने के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये हमारा गल जाए। आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं, हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें ऑयल भी डाल देती, देखिए हमारा, अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और टमाटर भी डाल दिया। अब मैं अच्छे से ऑयल में, जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो मैं मसाला भून लूँगी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से गल जाए, फिर हम मसाले अच्छे से भून। देखिए हमारे माशाल्लाह टमाटर अच्छे से गल गए, मैं मसाला अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें ये जीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। ये पिसा हुआ गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। मैं नमक भी डाल देते हैं, इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। गोश हमारा अच्छे से गल गया, रेडी हो गया, नमक शामिल कर लिया। अब मसाला अच्छे से भून लेंगे हम ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखेंगे मैंने भिंडी ले लिए, मैंने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, बीच से मैंने इसको चीरा लगा दिया ऐसे। बस ऐसे इसको शामिल कर देंगे। मसाला हमें अच्छे से भूनना है ताकि हमारे टमाटर वमाटर जो भी अच्छे से गल जाए, ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट्स से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। भिंडी वैसे ही सेहत के लिए अच्छी होती है, उसमें लेसपन होता है। आपको पता है कि भिंडी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये हड्डियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें लेस होता है। अगर हड्डियाँ की बीमारी है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए आप ये भिंडी खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ऐसे ही बना लें या गोश्त में बना लें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, पर भिंडी लाजमी खाया करें खाने में। मेरे घर में ऐसे नहीं खाते बच्चे, ऐसे नहीं खाते हैं, गोश्त बनाओ तो सारे शौक से खा लेते हैं, माशाल्लाह सब अच्छे से खा लेते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे, पानी शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, देखें आप लोग माशाल्लाह, ये देखें गोश्त अच्छे से भून गया है। ये अच्छे से भून गया, अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, भिंडी हमारे अच्छे से गल जाए।
ये काफी रहेगा इसमें पानी का। अब इसको कवर कर देते 10 मिनट के लिए, भिंडी हमारे अच्छे से गल जाए, पर हम ज्यादा नहीं गलाएंगे, बस थोड़ी बहुत। ये देखो बस इतनी बहुत है, ये अभी स्लो स्लो एकदम धीमी आंच पे ये गल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन अच्छे से रेडी हो गया है। ये हमारी भिंडी भी अच्छे से गल गई, हमारे सालन रेडी हो गए। अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर देता हूँ, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करना, कमेंट्स बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। दो में याद रखिएगा, फिर।